सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फॉर्मेशन में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारा बायोफार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 का टॉपिक है। तो देखेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे क्या मानेंगे, कोई भी हमारी ड्रग है, किसी भी ड्रग हमारी क्या आई, हमारे किसी सेल में आई, तो क्या हुआ, आएगी तो पूरी बॉडी में जाएगी, अलग अलग जाएगी, ऐसा तो नहीं किसी एक पार्ट में जाए। तो ये मानिए हमारा एक सेल है। अब ये हमारा ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये आईसीएफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल के बाहर का फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं और जो अंदर का होता है उसको इंट्रा बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं। पर यहां पे एक नई चीज आती है, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टीशियल फ्लूइड्स को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब इस सेल से निकल के कोई भी चीज हमारी दूसरे वाले सेल में जाएगी, तो जैसे कोई फ्लूइड यहां से गया तो क्या करेगा, जो लेयर्स हैं यहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स बना लेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ये हमारा बहुत छोटे से अमाउंट में होता है, क्या होता है आगे समझेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। तो फ्लूइड आउटसाइड द सेल, ये कहा होता है आउटसाइड द सेल, बताया आपको। इट कंटेन 43% ऑफ बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर जितना होता है बॉडी में उसका 43% हमारा ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इकट्ठा करता है। इट कंटेन 27% ऑफ बॉडी वेट, 27% ऑफ बॉडी वेट में होता है। मानिए कोई 70 किलो का इंसान है हमारा, ठीक है, तो उसको 70 किलो का इंसान में जो 17 लीटर जो वॉल्यूम होगा पानी का, वो होगा इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हमारे। नेक्स्ट पॉइंट हैव सोडियम आयन कंसंट्रेशन मेजरली, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है हमारा उसमें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन मेजरली होती है, ज्यादातर सोडियम आयन ही प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ डायरिया, ब्लड लॉस, वॉमिटिंग, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम रिलीज आउट ऑफ बॉडी। कोई भी केस होता है, जैसे डायरिया हो गई, ब्लड लॉस हो गया किसी भी रीजन से, या वॉमिटिंग वगैरह आई, तो उसमें होता यह है कि जो हमारा सोडियम आयन कंसेंट्रेशन है, सिंपल सी बात है, इन सब केसों में जो वाटर होता है बॉडी से वो बहुत तेज से निकलने लगता है। तो जब वाटर ही निकल जाएगा, सोडियम भी निकल ही जाएगा ना, है तो भाई फ्लूइड में ही, तो पूरा निकल गया। ईसीएफ हैज इट्स मेजर कंसेंट्रेशन इन प्लाज्मा, इंटरस्टीशियल लिम्फ फ्लूइड, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बोन एंड वाटर। अब होता कहां है वो भी जाना जरूरी है। तो होता है हमारा प्लाज्मा में, इंटरस्टीशियल लिम्फ फ्लूइड में, जो हमारी लिम्फ्स होती हैं उनके फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन में होती हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, बोन्स में और वाटर में। नेक्स्ट समझेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब हम लोगों ने समझा था यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, अब देखेंगे जो सेल के अंदर, ये इंट्रा सेलुलर है जो सेल के अंदर भरा है, वो क्या होता है। देखिए, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड इज अ मेजर कंपोनेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर से ज्यादा इंट्रा सेलुलर हमारा बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एक मेजर कंपोनेंट है। 57% ऑफ बॉडी वाटर, ये कितना था, 43% ऑफ बॉडी वाटर कंटेन कर रहा था, ये हमारा कंटेन करता है 57% ऑफ बॉडी वाटर। इट कंटेन 24 लीटर ऑफ बॉडी वेट इन 70%, 70 किलो के इंसान में कि 24 लीटर ऑफ बॉडी वेट कंटेन कर रखता है, और ये हमारा 70 लीटर कंटेन कर रहा था, ठीक है। अब थर्ड हम लोग बात करेंगे हमारा ट्रांस सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टीशियल फ्लूइड। बताया था हमने क्या होता है, पहले बताया था क्या बोलते हैं, जो सेल होते हैं दो, जब इनके बीच में कोई भी फ्लूइड हमारा इधर से उधर या इधर से इधर आता है, तो जो बीच में फ्लूइड आने की वजह से कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कुछ कुछ बूंदे इकट्ठा हो जाती है लेयर पे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। वही हमारे डेफिनेशन में भी लिखा है, व्हेन एनी फ्लूइड और लिक्विड ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, सम अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन एट सेल सरफेस, नोन एज ट्रांस सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टीशियल फ्लूइड। नेक्स्ट बोलता है, अमाउंट ऑफ इंटरस्टीशियल फ्लूइड इज वेरी लेस इन बॉडी। जो हमारा अमाउंट होता है, सिंपल सी बात, ट्रांसफर हो रहा है, बहुत छोटे अमाउंट है तो बचेगा, बूंदे बच रही है, अप्रॉक्स 1% ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। इट इज प्रेजेंट इन फ्लूइड कैविटी ऑफ आई, आई की फ्लूइड कैविटी में होता है, आई की कैविटी होती है उसमें होता है हमारा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता है हमारा, जीआईटी में, जो पेट के जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें होता है, सेलेवरी ग्लैंड और स्किन में भी होता है। ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रो, क्या होता है क्या नहीं होता है, मोटा मोटा ये था। अब लोग बात करेंगे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो व्हेन द ड्रग कम इन सर्कुलेशन सो डिस्ट्रीब्यूट टू वेरियस बॉडी ऑर्गन टिश्यू, हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग कोई ड्रग देते हैं तो बॉडी में जाती है तो अलग अलग हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज में जाकर सर्कुलेट होती है। व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट वैरायटी, जब प्रोसेस खत्म हो जाती है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हर एक ऑर्गन के पास हर एक अलग अलग वेराइंग कॉन्सेंट्रेशन होती है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होती है अलग अलग ऑर्गन या टिश्यू के पास। बिकॉज क्योंकि होता है यह है कि हर ऑर्गन के पास डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी कोई फिजियोलॉजिकल मीनिंग नहीं होती है, डू नॉट हैव एनी फिजियोलॉजिकल मीनिंग। सो देयर इज एन कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए कोई मीनिंग तो नहीं आई क्योंकि सबके पास अलग अलग आ गया, कोई डिफरेंट वॉल्यूम तो है नहीं, तो क्या किया गया, एक रिलेशनशिप दे दिया गया
कि चलो इसके आधार पर हम लोग निकाल लेंगे। प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन को हम लोग बोलेंगे सी और अमाउंट ऑफ ड्रग को बोलेंगे एक्स। अब सी और एक्स को हम लोग लेंगे तो एक रिलेशनशिप बनेगा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड एक्स उसको खोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो उसमें वीडी लग जाएगा। वीडी मतलब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, एक्स इज इक्वल टू वीडी बाई सी, जहां पे क्या है वी इज इक्वल टू वीडी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कॉल्ड अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग बोलेंगे अपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो फॉर्मूला है इसी को जब हम लोग आगे और खोलेंगे इसको, इसको पूरी तरह से लिखेंगे तो बन जाएगा, ये बनेगा अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। वो जो इक्वेशन बनी थी उस इक्वेशन को खोलने के बाद हमारा ये फॉर्मूला आएगा यहाँ पे। सो द अपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, ये हमारा एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है। देखिए हाइपोथेटिकल मतलब होता है मान लेते कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ नहीं पता कौन से ऑर्गन में कितने जाने वाली है दवाई हमारी। सो इट इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इन विच ड्रग इज डिसॉल्व एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पर डिसॉल्व हुआ ड्रग हमारा गया डिसॉल्व हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इट इज कॉल्ड अपरेंट बिकॉज कंसेंट्रेशन ड्रग इक्वल ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी। इसको लोग अपरेंट इसीलिए बोलते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन फिक्स ही नहीं होती किस पार्ट में कितनी जाएगी।